हमने कहा भाई इंग्लिश इंग्लिश में है, थोड़ी बहुत आपको अंग्रेजी का ज्ञान होगा, आप ग्रेडेड ऑटोनॉमी को जो एकेडमिक काउंसिल का एजेंडा में है, सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, उसे पढ़ लो। कहते नहीं हम मातृभाषा में ही पढ़े, कर लो भैया। इतना लोअर लेवल ऑफ डिबेट जा चुका है, तो ये जो कोर्सेस को बंद करने का खेल, ये जो इंडिविजुअल टीचर्स को डिफरेंशियल पे पैकेज में रखेंगे, फिर कुछ वो कहेंगे कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम जाओ यहां। और बीओजी का मैं कंपोजिशन बता रहा हूं आपको, आप देख लीजिएगा। बीओजी एक बार हैकी बनाएगी, हैकी कौन है आपको पता है, हाईएस्ट जो बॉडी है। इसके बाद एनी इनकन्वीनियंट मेंबर इन द बीओजी हैज टू बी रिमूव बाई ए सुटेबल मेंबर। अगर कोई वहां पर बैठ करके आपका तरफदारी करना चालू कर दिया, उसको दे विल रिमूव हिम बाय ए सुटेबल मेंबर हु सेस यस सर, यस सर, यस। पैसा कमाओ, पैसा खाओ, नया कोर्सेस लाएंगे, क्योंकि उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। 2013-14 में एजुकेशनल बजट, देखिए दूरदृष्टि का हमारा कमी रही है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कहां अटैक करनी है। हमारा बजटरी एलोकेशन था 4.7% ऑफ द बजट, जो कांग्रेस छोड़ करके गई, और आज कितना बजट है, 2.5%, और उसमें जो हेफा का लोन है वो भी जोड़ दिया बॉस। पिछला एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में भाई चांसलर महोदय कहने लगे कि हमने 1100 करोड़ लोन ले लिया, लोग तालियां बजा रहे, वाह क्या काम किया। अरे ये ग्रांट नहीं है, ये लोन है, ये बिल्डिंग बनी थी किसी लोन में नहीं, ये ग्रांट में बनी थी। लोन हैज टू बी रिपेड, एंड हु विल टेक द बर्डन ऑफ रिपेइंग द लोन, द ओनर्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ द लोन विल कम टू द स्टूडेंट्स। कैन दे अफोर्ड टू बियर दिस लोन। पिछला एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में लॉ फैकल्टी का कोर्स शुरू हुआ 12 लाख रुपया, 1,97,000 रुपीज पर सेमिस्टर। रुद्रा कैलकुलेट करके बताया कि ये पैसा पड़ जाएगा आपको 2,15,000-20,000 रुपया पर सेमिस्टर। मैं पूछना चाहता हूं, हम जिस प्रलय को लेकर के घूम रहे हैं, हमारा कौन सा बच्चा इस फीस स्ट्रक्चर दे करके हमारा स्टूडेंट बनेगा बॉस? मैंने यूनिवर्सिटी वालों से बात किया, किसी व्यक्ति ने बताया कि ये तो मुंह दिखाई का है कसम, आगे आगे देखिए होता क्या है। मतलब जो पैसा इन्होंने लगाया है ये तो कुछ भी नहीं है, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज मेनी फोल्ड। ये तो पास कराना था ना, बीटेक का कर दिया 2 लाख रुपया पर सेमेस्टर। हमारे लोग जमीन पे बैठते हैं, उनको धमकी मिलती है, हम लोग ये बात बोलते हैं, वो धमकाते हैं। हमने भी तय कर लिया कि भाई हम सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब डरा लो धमका लो, जो कुछ करना हो कर लो, हम देख लेंगे। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिफीट करना है। आप कहेंगे कि बड़ा मुश्किल का काम है, 2003 में भी हमने डिफीट किया था मॉडल एक्ट को, याद करिए कितना स्ट्राइक किया था, हड़ताल किया था, रैली किया था, मार्च किया था, जो कहता था कि टोटल कॉस्ट रिकवरी फ्रॉम द स्टूडेंट्स, उसको हमने डिबेट किया था, यही वाजपेयी सरकार। आज हवा का रुख बदल चुका है, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान सारे लोग विद्रोह कर रहे हैं और कर भी चुके। मैं खुद गया था बिहार, 2 दिन आई एड्रेस देयर लेजिस्लेटर्स, 5 घंटा 7 घंटा देयर इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द पार्टीज,
और उन्होंने फैसला किया। एक आदमी ने खड़ा होकर के लास्ट में समिंग अप में कहा कि जिस एकलव्य का अंगूठा एक बार कटा था ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रोज कटेगा, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। इस पे स्ट्रक्चर में, इस फी स्ट्रक्चर में कौन घुसेगा? मध्यम वर्ग भी नहीं घुस सकता है सर, वही लोग आएगा। और ये कहते हैं जो एफोर्ड नहीं कर पाएगा जो ऑनलाइन में चला जाए, तो मेहरबानी कर रहे हो ऑनलाइन में जाने। पिछले साल से इस साल, पिछले साल आपका 18,000 सीट खाली रहा कोर्सेस में, लड़कियों का संख्या घट गई। कौन सा बाप 200 किलोमीटर अपना बेटी को ले जा करके गेस्ट हाउस में रखवा करके 5 एग्जामिनेशन देगा? ये सब कुछ संयोजित तरीके से हो रहा है। इधर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं। मुझे लोग पूछते रहते थे कि एडमिशन कब होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, एडमिशन कब होगा। मैंने बोलना चालू कर दिया अब तो कि भाई जिस दिन अशोका शिवनाडर जिंदल का 8-8 सेक्शन बन जाएगा उस दिन हमारा एडमिशन चालू। यही हकीकत है सर। अगर वहां पर 15-20 लाख रुपया फंस गए ना तो वो विद्रोह नहीं करेगा, उससे तो पैसा कटेगा। और यही हो रहा है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से लोग आना बंद हो गए। अब हम लोग संगठित रूप से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वापसी करेंगे और हम होंगे कामयाब। डेमोक्रेटिक यूनाइटेड टीचर्स अलायंस मार्चो, हम सब लोग मिलकर के संघर्ष करेंगे, इसको वापसी करवाएंगे। हर किसी को लगता है कि भाई इनके साथ रहेंगे ना बाबा का बड़ा कृपा। अब देखिए रेगुलराइजेशन रेगुलराइजेशन रेगुलराइजेशन, हर हेड ऑफ टीचर सोचा अरे हमने कहा कि